दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ये प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बिहार के बेगूसराय से मास्टर अली साहब। तो मास्टर अली साहब आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी नमस्कार, आपने मौका दिया हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जी तो मास्टर अली जी, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम हर रोज़ प्रसारित होता है भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक छोटा सा एक परिचय हमारे श्रोताओं के लिए अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपके फैमिली के बारे में। जी 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 सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार के बेगूसराय का रहने वाला हूँ। जी जी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी जी। और मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब। अच्छा अच्छा। और घर में काफी समस्या थी आज से 5-10 साल पहले तक। जी जी। तो डे बाय डे कंडीशंस बेहतर हो रहे हैं, और फिलहाल हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। और पापा मम्मी हैं। जी 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 जी। दादा दादी डेथ कर गए हैं तो। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने फैमिली के बारे में हमारे श्रोताओं को रूबरू कराया। तो मास्टर अली जी, अभी आपने चर्चा की एजुकेशन की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एजुकेशन, तो हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि अभी आप की कौन सी, मतलब एजुकेशन, किस क्वालिफिकेशन में अभी आप हैं? सर अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। जी जी। जब मैं नॉर्मल था, आज से 10 साल पहले मैं नॉर्मल था। अच्छा। और मैंने नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की 6th तक। अच्छा। उसके बाद एक नेशनल गेम के दौरान मेरी आई चली गई। नेशनल क्रिकेट गेम में मैच खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उसके दौरान मतलब बॉल लग गई आँख पे, तो फिर शुरू हो गया। ओहो। और उसके बाद सर फिर 3-4 साल ऐसे बर्बाद हो गया। फिर 2015-16 में मैं अलीगढ़ गया। अच्छा अच्छा। और फिर मेरी पढ़ाई रिपीट हो गई। अच्छा अच्छा। तो अभी पिछले 5 साल में मैंने 9th स्टैंडर्ड हासिल किया, मैं 9th में फिलहाल अभी। अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है, ये एक समस्या है हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए खास तौर से, कि उनकी एजुकेशन जो है किसी न किसी रूप में बाधित जरूर हो जाती है। हम आपको बता दें कि आपसे हम आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे साथियों ने इंटरव्यू दिया है, और हर साथी की एजुकेशन किसी न किसी रूप में बाधित रही है। जी जी सर। तो हमारा ये मुहिम इसीलिए शुरू किया गया है कि जो भी दृष्टिबाधित साथी हैं, अगर कहीं एजुकेशन से वो दूर हैं या एजुकेशन लेने में उन्हें समस्या हो रही है, तो बहुत सारे साथी हैं जो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से पढ़ा, उन्होंने वहाँ से पढ़ा, तो इसकी जानकारी उन तक पहुँच सकती है और वे भी एजुकेशन को ले सकते हैं। जी जी ऑफ कोर्स। जी जी। तो मास्टर अली जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जैसे आप जब दृष्टिबाधित हुए, आपने बताया कि आप लेट ब्लाइंड हुए। जी सर। और एक गेंद लगने के कारण आप ब्लाइंड हुए। जी सर। तो कैसा महसूस हुआ जब आप ब्लाइंड हुए और आप लेट ब्लाइंड हुए, तो चीज़ों को फैमिलियर करने में कितना प्रॉब्लम हुआ आपको, कितना आपने महसूस किया? सर जो उस समय की कंडीशन थी मेरी, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितनी तकलीफ में वो स्टार्टिंग में हो गई। जी जी बिल्कुल। कि कोई भी चीज अगर इंसान की अचानक होती है तो दिक्कत तो होती है। हाँ हाँ हाँ। नॉर्मल किसी के साथ भी। जी जी। तो मैं ब्लाइंड हूँ जी, ये चीज मैं आज तक नहीं भूल पाया। जी जी जी। अच्छा, मैं इसे भूलना भी नहीं चाहता। हाँ हाँ। अच्छा, अब जो हमारे ब्लाइंड भाई लोग हैं जो मुझे मुझे सुन रहे हैं फिलहाल, जी जी जी, हम सोचते हैं कि हमें ये भूलना है कि हम ब्लाइंड हैं। जी जी। मैं सोचता हूँ कि अगर हम ये चीज भूलेंगे कि हम ब्लाइंड हैं, तो फिर हम अपने सर आवाज कुछ धीमी हो गई, क्या बात है? अब आ रही है? हाँ हाँ जी, अभी आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये कि मैं ये नहीं भूलता कि मैं ब्लाइंड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मकसद बस मेरा ये है कि अगर मैं सोचूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो फिर मैं जो कोई भी काम लगा मैं कहूँगा दुगने एनर्जी से करता हूँ। फिर जी जी, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं पीछे कोई है नहीं। सबसे बड़ा रहम नहीं हूँ सर। ये और इशू है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात की, शेयर की हम सभी श्रोताओं के लिए, और बिल्कुल आपने सही बात की कि आप ब्लाइंड हैं, इस बात को आप नहीं भूलते हैं, और चीज़ें आपने कैसे हैंडल की होगी, ये एक बहुत ही कठिन प्रश्न है, और जो एक ब्लाइंड के लिए बहुत ही दुख, जो हम
बचपन से ब्लाइंड होते हैं उन्हें तो चीजें फेमिलियर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लेट ब्लाइंड होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। तो मास्टर अली जी, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया, जान के बहुत दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल। और हम सिर्फ एक दोस्ती के नाते आपसे दुख साझा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। तो आपसे जानना चाहेंगे और बातों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जी सर, चूंकि आपसे हमारी बात हुई और आपने बताया कि आप शायरी करते हैं। ऑफ कोर्स सर। तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये शायरी का सुरूर कब से आपको चढ़ा? ये सर, जब मैं ब्लाइंड हुआ जी जी, तो मेरे पास कुछ काम तो था नहीं सर जी जी, और मेरे को दो चीजों की बहुत शौक थी, एक तो इंग्लिश का, एक शायरी का। अच्छा अच्छा। तो ना ही मेरे को शायरी में प्लेटफॉर्म मिल पाया था, ना ही मेरे को मतलब कहीं इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ मिल पाया था कुछ। खैर किसी तरीके से इंग्लिश तो हो गया। फिर मैंने शायरी के लिए अपने चैनल बनाया मैंने। अच्छा अच्छा। और उसके थ्रू मैं अभी लोगों में जाना जाता हूँ उसे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चूंकि सर आपने यहाँ पर चैनल का डिस्कस किया, चैनल का जिक्र किया, तो हम चाहेंगे उस चैनल के बारे में हमारे श्रोताओं को भी आप रूबरू कराएं, बताएं क्या है चैनल का नाम। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि ये जो चैनल है, जो हमारे साइट का चैनल है, हाँ, आप ये सुन रहे हैं, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मेरे जैसे आपको भी यहाँ पर आने का और बोलने का मौका मिल सके। जी जी। अब फिलहाल बात रही मेरे चैनल की, तो ज्यादा बता गई, एक चैनल है इश्क वन स्टूडियो, ISHQ1 स्टूडियो, कभी भी यूज कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। और आपके इस चैनल का लिंक भी, हालांकि चैनल तो सब्सक्राइब है ही, लेकिन फिर भी लिंक आप मुझे शेयर कर दीजिएगा एक बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो भी साथी जुड़ना चाहें आपसे इजीली जुड़ सकें। यस यस। तो मास्टर अली जी, जैसा कि आपने अपने चैनल के बारे में बताया और आप शायरी करते हैं, तो हम बातों को इस सिलसिले को थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और आपके ही मुख से सुनना चाहेंगे आपका पसंदीदा कोई शायरी जो आपने लिखा है, बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी इज्जत के नाम से घर जाए, मत करे इश्क अपने घर जाए। वाह क्या बात है। बात आ जाए जब दुआओं पर, उससे बेहतर है इश्क बिखर जाए। वाह वाह। अब तो कुछ अपने घर पे भी पहरे हैं यार, कोई जाए भी तो किधर जाए। ये राह इश्क है, यहाँ जरा संभल के चलना, क्या पता कब कोई अपना कहाँ बिछड़ जाए। वाह क्या। मेरा एक काम करना कि सदा खुश रहना, शायद तुझे देख मेरा जख्म भर जाए। और सुना है तू रोती है मेरी याद में, सुना है तू रोती है मेरी याद में, हाय अली मर जाए। वाह वाह क्या बात है यार, क्या बात है, गजब की। थैंक यू। आप तो बिल्कुल एकदम से छुपे रिश्ता में है और इतनी अच्छी शायरी आप करते हैं। और आई थिंक जो आपका चैनल होगा उस पे आप वीडियो के रूप में शायरी डालते होंगे। जी 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 बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसे शब्द, ऐसी शायरियाँ आपके जुबान से हमें हमेशा सुनने को मिलती रहे और आप ऐसे नए नए शायरियाँ हमारे बीच लाते रहें, बहुत बेहतर। थैंक यू सर। तो अली जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम दृष्टिबाधित हैं तो हम सभी साथियों के जीवन में दोस्तों का अहम रोल होता है। ऑफ कोर्स सर। तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने आपकी समस्याओं या आपकी मुसीबतों में या आपके जख्मों में मरहम लगाने का काम किया और आपको सहारा दिया समय समय पर। जरूर सर। बेसिकली मेरे एक नॉर्मल फ्रेंड है जी जी, उनका नाम अभिषेक है जी जी, उन्होंने काफी मेरे को हेल्प की है, काफी कंडीशन में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है, अभी तक मैं हेल्प करते हैं वो। अच्छा। और मेरे दो ब्लाइंड फ्रेंड भी हैं, एक फयाज इमाम और एक अमन चौधरी। अच्छा अच्छा। ये भी एमयू से ही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही। हाँ हाँ जी जी जी। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे फादर हैं सर। वाह क्या बात है, बहुत बेहतरीन। सबसे अच्छे फ्रेंड है मेरे वो।
जी, एक ब्लाइंड के लिए मम्मी पापा कितना इम्पोर्टेंस होते हैं, कितना ज़रूरी होते हैं, जी ये जी बिल्कुल सर। हम सभी समझ सकते हैं। हालांकि मम्मी पापा तो सभी के लिए ज़रूरी होते हैं, जी लेकिन जी एक ब्लाइंड के लिए उनका जो रिस्पांस है, वो जो जो रिस्पांसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल जी जी अभी अब चूंकि बात मम्मी पापा की आ ही गई, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले एक राजस्थान की लड़की थी, चंचल करके थी उनका नाम, और जी उनसे जी मेरी बात हुई। उनके मम्मी पापा से मेरी बात हुई, जी जी तो उनकी मम्मी ने बताया कि चूंकि चंचल उनकी पहली लड़की थी, फर्स्ट डॉटर, जी जी तो 6 महीने बाद वो ब्लाइंड हो गई, मतलब कुछ अल्लाह ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वो ब्लाइंड हो गई। जी जी तो उस माँ ने दूसरा सन या डॉटर नहीं किया, केवल ओह उसकी परवरिश के अल्लाह लिए कि मेरा एक ही डॉटर रहेगी, अब ये ब्लाइंड हो गई है तो इसको मुझे, इसकी सेवा मुझे करना है, और उसने दूसरा डॉटर नहीं किया। वाओ तो वाओ यार गजब। ऐसे माता पिता को सल्यूट है भारतीय बिल्कुल विज्ञान सर यूट्यूब चैनल बिल्कुल की सर तरफ से, जिन्होंने बिल्कुल सर इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया अपने जीवन से। बिल्कुल सर तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे गार्जियंस हैं, बहुत सारे माता पिता हैं। तो अली जी, आपसे बातों को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और आपने जैसे अपने दोस्तों के बारे में बताया तो जी बहुत अच्छा जी लगा। ऐसे दोस्त सभी को मिलने चाहिए जो समय समय पर हमारे दृष्टिबाधित साथियों की हेल्प करते रहे, मदद करते रहे बिल्कुल उनकी सर जरूरत पर। बिल्कुल तो सर अली जी, जैसे कि होता है कि दुख होता है, अंधेरा होता है, कुछ रोशनी नहीं दिखती है, बिल्कुल घना सा कोहरा छा जाता है, जी लेकिन सर उसके बाद जीवन में खुशियां भी आती हैं। एक दौर आता है, एक समय आता है, वो पल भी हमारे नसीब में होता है जब हम खुश होते हैं। तो बिल्कुल आपसे सर जानना चाहेंगे कि ऐसा पल आपको कब महसूस हुआ, जब आप जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहे। सर मैं उन हर पल में खुश रहता हूँ जी और जी उन हर पल को एंजॉय करता हूँ जब मैं अपनी मम्मी के साथ होता हूँ। वाह, क्या बात है मेरे लिए उससे भी कि और कोई पल नहीं है सर खुश होने के लिए, जी, बिल्कुल। बस यही है मेरे खुशी के पल, बस मेरी मम्मी मेरे साथ हो हाँ, और कुछ नहीं चाहिए सर। बिल्कुल। तो आपने कहा जब आपकी माँ आपके साथ होती है, आप बहुत खुश होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी आपको उसी वक्त मिलती है। बिल्कुल सर तो आप ये चीज बताएं, जैसे आप जब स्कूल के दौरान रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, तो मम्मी तो आपके गांव में रहती होंगी या वहीं साथ में रहती हैं आपके? नहीं सर मम्मी तो यहीं रहती हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। वाह, क्या बात है। नहीं मैं तो नहीं सोच सर रहा था, मम्मी मतलब मम्मी मतलब मम्मी यहीं रहती, घर पे रहती है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ ये। अच्छा, लेकिन मतलब अलीगढ़ में ही तो रहती हैं? नहीं नहीं सर हाँ मम्मी तो यहाँ रहती है, घर बिहार अलीगढ़ अच्छा में रहता हूँ। अच्छा, तो मिलना कितना हो पाता है आपका? मतलब जब स्कूल चलता होगा तब तो बहुत मुश्किल हो पाता होगा। नहीं सर सिर्फ मम्मी तो जा नहीं पाती घर के हाँ काम की वजह से, फादर ही आते हैं मंथ टू मंथ पे। तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अली जी, जैसा कि आपसे बात हुई, आपने बताया आप शायरी करते हैं, बिल्कुल तो सर इस शाम को हम यूं ही नहीं जाने देंगे और आपसे एक और शायरी आपका जरूर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। कैसे उसने छुपकर सब कुछ बदला, बंगला बदला, घर बदला, वाह बाद में वाह नंबर बदला। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात मैं है। जिसके बारे में कहा करता था दोस्तों से तुम मेरा नाम बदल देगा, वो शख्स है बदला। वाह वाह, क्या बात है यार, बेहतरीन, यस सर बहुत ही बेहतरीन। आपके शायराना अंदाज हैं, शायराना जो जुबान है आपकी, गजब कमाल की, थैंक यू सर। और बहुत ही बेहतरीन शायरी। तो अली जी, आपसे हम जुड़ना चाहेंगे, हालांकि बहुत सारे हमारे श्रोता लोग जानते हैं आपको, और उन्होंने आपका जो टीवी शो है ऑडियो टीवी का, जी सर जी उसे भी सर बहुत सारे श्रोताओं ने सुना ही है, बहुत सारे लोग जुड़ जा रहे हैं, और इतना अच्छा ये प्रोग्राम है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कितना बेहतरीन प्रोग्राम है ये। जी सर तो हम अली जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से कैसे आप जुड़े, और कैसे मतलब आप लोगों ने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया, कैसे ये सारी चीजें हुई। सर कुछ महीनों पहले की बात है, जी, अमन चौधरी जैसे मैंने नाम बताया हाँ आपको, हाँ जी वो जी शो के डायरेक्टर भी हैं, हाँ हाँ उन्होंने मेरे को कॉल किया जी जी और कहा हमें एक ऑडियो शो एस्टेब्लिश करनी चाहिए और उसमें मेरे को आप चाहिए। मैंने कहा अपना 100% दूंगा भाई जान आप कहोगे तो। उसके बाद सर फिर हमने ऐसे ऐसे कई के लोगों को जोड़ा, जी, फिर एक टीम तैयार हुई सर। हाँ, और जो आज आप देख पा रहे हैं, आज जी, हम ब्लाइंड के ऊपर एक शो ला रहे हैं जी जी और ट्रेलर उसका आ चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देख चुके हैं। और अभी वीक एक एक से 1.5 वीक में आपको एपिसोड मिल जाएगा। ओके ओके,
तो अली जी चूंकि इतना अच्छा शो है और बहुत सारे श्रोता जानते ही हैं, सुनते ही हैं शो को आपके, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप शो में कौन कौन से किरदार करते हैं और किस किस किरदार को आप करते हैं, या आगे क्या कुछ प्लानिंग चल रही है शो को लेकर? और सर बेसिकली मैं शो का राइटर हूँ। अच्छा अच्छा। और शो कंट्रोल करता हूँ। जी जी। और एक्टिंग के मामले में मैं कोई परवानिंग एक्टिंग नहीं करता। जी जी जी। कभी विलेन, कभी दिस, कभी दैट, बट मैं किसी परवानिंग एक्टिंग पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा जी। मतलब जो भी रोल्स होते हैं, जो आपके लिए सुटेबल होते हैं, जो आप लोग सोचते हैं वो रोल आप कर लेते हैं। जी जी सर। अच्छा अच्छा। तो फाइनली जो अभी हमारे बॉर्डर पे कंडीशन है इंडिया चीन को लेकर के, हाँ हाँ, और तो सर 15 अगस्त के दिन हम एक मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं भारत चीन को दिखाने के लिए कि हमारे इंडियन आर्मी किस तरीके से चीन का सामना करती है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन। और हम यहाँ से दुआ करेंगे कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी काम है, वो माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत अच्छा आपका शो रहता है, आपके कार्य रहते हैं, आपके प्रोजेक्ट रहते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। जी। तो अली जी, चूंकि आप हमारे साथ इतना देर जुड़े हैं, आपने सराहना, जो आपके सराहना अंदाज है, आपकी जो शायरियाँ हैं, वहाँ भी आपने हम श्रोताओं को सुनने को दिया, सुनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा हम सभी को। Yes, तो अली जी आपसे जाना चाहेंगे, हमारे जो yes, साथी गांव में रहते हैं या घरों में रहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो की पढ़ाई से वंचित हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं या निराश हैं लाइफ से लेकर, क्योंकि एक ब्लाइंड हो जाने के कारण बहुत सारी निराशा हमारे साथ जुड़ जाती है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं मुझे सुन रहे तमाम अपने भाइयों बहनों को बस एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ब्लाइंड हैं या फिर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, एक होता है हमारी डिसेबिलिटी कि हम डिसेबल हैं। जी जी। एक होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी ये नहीं कि आप ब्लाइंड हैं। जी जी। सबसे बड़ी डिसेबिलिटी ये है कि आपने नेगेटिव सोचा है। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको अगर कुछ करना है तो अपने अंदर से ये चीज निकाले कि आप ब्लाइंड हैं या फिर आप ये है वो है। और हर इंसान में एक ना एक खूबी होती है, जरूरत होती है हमें उसे पहचानने की। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी बात आपने बोली है यहाँ पर कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, जरूरत है उसे पहचानने की, उसको निखारने की, उसको सवारने की, उसको आगे बढ़ाने की। जी सर। जी। तो बहुत अच्छी बात है आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, और आप राइटर भी हैं और आप पोएट्री भी करते हैं, कविता शायरियाँ भी करते हैं। जी। तो अली जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप शायरी तो कुछ ना कुछ आप शायरी को लेकर आगे प्लानिंग किए होंगे, किस प्रकार की शायरी अभी आप लाने वाले हैं जी, जी अपने चैनल पर, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं क्या कुछ आगे का प्रोजेक्ट है आपका? हमारा फिलहाल अभी जो आने वाली शायरी है वो कंडीशन ये है उसका कि एक लड़की है। जी जी। जो एक लड़के को चीख कर चुकी होती है, मीन्स बेवफा होती है। अच्छा अच्छा। और वो लड़का गुस्से में अपने दर्द का इजहार करता है। अच्छा अच्छा। तो ये टाइटल है सर। अच्छा अच्छा, बहुत ये अच्छा। गुस्से में इंसान क्या बोल सकता है एक धोखेबाज इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी है, आपका ये टॉपिक है बहुत अच्छा है। ये शायरी होने वाला है तो हमारे श्रोता भी इंतजार करेंगे आपके उस शायरी का आपके चैनल पर। जी। तो अब चूंकि अली साहब जी हमारे साथ आप जुड़े इतने समय से, आपने अपनी बातें शेयर की और हमें बताया अपने बारे में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, तो अली जी आपसे जानना चाहेंगे कि चलते चलते हमारा ये आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपके जीवन का सपना क्या है, आपने क्या सोचा, आपने लिए क्या कुछ करना चाहते हैं जीवन में? सब सिस्टम में जाना चाहता हूँ, आई मीन टू से मैं लॉ करना चाहता हूँ, वकील, वकालत। अच्छा अच्छा, क्या बात है। जी सर। तो मतलब आप एज अ लायर के रूप में अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, आप एक वकील बनना चाहते हैं इन फ्यूचर? जी सर। जी, तो बहुत अच्छा है, आपने जो अपने लिए सपना सजोया है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को सलाम, आपके सपनों को सलाम, और हम भगवान से दुआ करेंगे ये सारे सपने आपने जो अपने लिए संजोया है जल्द से जल्द पूरा हो और आप एक वकील के रूप में, प्रतिष्ठित लायर के रूप में हमारे सामने आए। और अच्छा, हमारे फाइनली मैं
जी जी फाइनली मैं आपकी जो टीम है जी जी भारतीय दिव्यांग जी जी इसके तमाम जो मेंबर सबको सैल्यूट करता हूँ, जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं सर ब्लाइंड समाज के लिए, ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। जो हमारी टीम है वो आपके वर्क को देख रही है कंटिन्यूअसली, और जिस तरीके से आप लोगों को आगे लाते हैं आवाज बना करके, वो बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क है सर जी। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आप ही लोगों का मेहनत है, आप ही लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोगों की दुआएं हैं, तो हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं जी। बस इसको हम लोग बरकरार रखे रहें, ऐसा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हमारी तमन्ना है, यही इच्छा है जी जी। तो अली जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बातें शेयर की हमारे साथ, और इतनी अच्छी बातें की अपने जीवन से, आपने अनमोल समय निकाला हमें दिया इस प्रोग्राम के लिए, इस इंटरव्यू के लिए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हमारा पूरा भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।